मेरे ख्याल में अगर शाहीन की तारीफ मेरे ख्याल में मैंने मुझे आप लोगों ने कम करते हुए सुना होगा और डांटते हुए उड़ाते हुए बहुत दफ़ा आप लोगों ने मुझे सुना होगा। क्रिकेट को सामने रखते हुए, कप्तानी को सामने रखते हैं, परफॉर्मेंसेस को सामने रखते हुए मैं बात करता हूँ। आप बड़े साफ वो हैं, आप बोलते हैं क्रिकेट की हक के लिए, सच्चाई के लिए, लेकिन आप समझते हैं कि अब आप बोलते हैं तो उसका असर बहुत दफ़ा भी मैंने पिछले दिनों में यही देख रहा था, क्योंकि मैं पूरी चीज़ों का एनालिस्ट करके एंड देन फिर आप उसके बाद बात करते हैं। क्रिकेट को सामने रखते हुए, कप्तानी को सामने रखते हैं, परफॉर्मेंसेस को सामने रख के मैं बात करता हूँ। और मेरे ख्याल में अगर शाहीन की तारीफ मेरे ख्याल में मैंने मुझे आप लोगों ने कम करते हुए सुना होगा, हाँ डांटते हुए उड़ाते हुए बहुत दफ़ा आप लोगों ने मुझे सुना होगा, तो बात यह है कि मेरे लिए हर लड़का पाकिस्तान टीम का मेरे लिए बराबर है। इस मुल्क के बेटे हैं, इस मुल्क के बच्चे हैं हमारे, वो अच्छा खेलते हैं, हमें खुशी होती है, हमें इज्जत के साथ हम रोडों पे बाहर की दुनिया में चल रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बात यह है कहने की कि कुछ अरसे से देखा है मैंने कि जब भी मैं कोई ऐसी बात करता हूँ तो वो थोड़ा लोग ये समझते हैं, उसको नेगेटिव ले जाते हैं, तो मैंने इस हवाले से बात करना ही छोड़ दी है। मॉडर्न डे क्रिकेट की अगर हम बात करें, जो आप खास तौर पे यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, टीम सेंस खास तौर पे यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, आप तो 20 साल पहले वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे थे जो आज यहाँ पे खेली जा रही है, कहीं लैक कर रहे हैं हम पाकिस्तान में इस चीज को? देखिए, अच्छे वालदैन होंगे तो अच्छे बच्चे होंगे, बात यह है कि अच्छे टीचर्स होंगे तो अच्छे स्टूडेंट्स होंगे। हमारा ग्रास रूट लेवल पे जितना फोकस होना चाहिए उतना नहीं है। हमें गैरी क्रिस्टन की ज़रूरत पाकिस्तान टीम के लिए नहीं है, हमें गैरी क्रिस्टन जैसे लोगों की ज़रूरत ग्रास रूट लेवल पे है, अंडर 16, अंडर 19 लेवल पे उनकी ज़रूरत है, ताकि उन बच्चों का माइंडसेट वहीं से चेंज होना शुरू हो जाए। वो टिपिकली जो क्रिकेट हम खेलते थे या जिस तरह स्टार्ट करते थे, अब उस माइंडसेट से हट के हमें क्रिकेट खेलनी है। और ये जो बच्चे हैं यहाँ पे, जो हमारे पास प्रोफेशनल कोचेज़ हैं, उमर रशीद है, वो जारी बात है कि पीसीबी के साथ काफ़ी अरसे रहा है वो बंदा, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि अच्छे कोचेज़ यहाँ पे, इस लेवल पे कोचेज़ों की ज़रूरत है, ताकि हमारे बच्चों का माइंडसेट डिफरेंट तरीके से सोचे। पाकिस्तान की जो शिकस्त हुई उसके बाद सारी डाइवर्जन एक दूसरी तरफ मोड़ दी गई है, जो भी चला जा रहा है, परफॉर्मेंस के ऊपर बात नहीं हो रही, कोई एटीट्यूड पर बात कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस जो सर्जरी थी वो परफॉर्मेंस पर होनी चाहिए थी मेरे ख्याल से, फॉर्म परफॉर्मेंस जानना चाहती थी, सारा जो था मलबा दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया, तो परफॉर्मेंस के ऊपर क्यों बात नहीं कर? यार मेरे ख्याल में, मैं तो पता नहीं 20-22 साल से पाकिस्तान से क्रिकेट खेली, उससे पहले देखता रहा हूं कि जब भी कोई इतना बड़ा इवेंट आप हार जाते हो तो क्रिकेट बोर्ड, देखें हमेशा कहता रहा हूं कि क्रिकेट बोर्ड का रोल वालिद की तरह होता है, हमेशा क्रिकेट बोर्ड प्लेयर्स को, अपने आप को बचाने के लिए प्लेयर्स को आमने सामने ना खड़ा किया करे। ये तो छोटे छोटे मसले मसाइल होते हैं, जो भी टूर के ऊपर कोई इश्यू होता है उसको तो आप कोई भी आराम से एड्रेस कर। क्या मेरे टाइम में नहीं हुआ? बहुत डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हुई, लेकिन मैनेजमेंट क्रिकेट बोर्ड स्ट्रांग होने की वजह से वही मसला हल कर देते थे। तो आई मीन, अगर इशू को बड़ा बनाना है तो बड़ा बन जाएगा, अगर उसको ख़त्म करना है तो ख़त्म कर जाएगा। कहने का मतलब यह है कि क्रिकेट बोर्ड का रोल हर लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 और 22 में टीम रूट पे जा रही थी, मिसालें मिल रही थी, लेकिन हम देख रहे हैं 2023 और फिर 24 है, डाउनफॉल ऐसा ऐसा आ रहा है, क्या समझते हैं खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस में किस वजह से डाउनफॉल आ रहा है? क्या प्लेयर्स का और जो बार बार चेयरमैन तब्दील हो रहे हैं, पॉलिसीज चेंज हो रही है, खिलाड़ियों का माइंड सेट वहाँ जा रहा है, क्योंकि वहाँ से कभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनता नहीं है, दो तीन डिले होता है, फिर देखिए मुहसिन नकवी साहब जो है ना, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा या एडवाइस करूँगा कि मेरे ख्याल में, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री भी उनके पास है एंड देन उसके अलावा आपके पास पीसीबी भी है, ये दो बहुत बड़ी बड़ी जॉब्स हैं, तो एक डिसीजन उनका लेना पड़ेगा, या उस तरफ रहें या पीसीबी, क्योंकि पीसीबी की दुनिया, क्रिकेट की दुनिया टोटली डिफरेंट है, तो ये उनको डिसीजन लेना पड़ेगा। एडवाइज़रों पर नहीं चल सकेंगे वो, या मैं जो देख रहा हूँ उनके सराउंडिंग में जो एडवाइज़र हैं वो मैं समझता हूँ कि इस काबिल नहीं है कि वो उनको, आई डोंट नो कि किस डायरेक्शन की तरफ लेके जाएंगे, इसलिए कि उनको मैंने खुद भी बार बार सुना है कि उन्हें क्रिकेट के हवाले से इतना नहीं पता ज़्यादा, तो अपने एडवाइज़र ऐसे लोगों को बनाएं जो क्रिकेट को जानते हों, जो ग्रास रूट लेवल क्रिकेट को जानते हों। तो एडवाइज़रों पर चलेंगे तो मेरे ख्याल में फिर मोहसिन नकवी साहब कुछ नहीं कर पाएंगे, और मोहसिन नकवी साहब को डिसीजन लेना पड़ेगा, या इंटीरियर मिनिस्ट्री लेनी है उन्होंने, या पीसीबी लेनी है, क्योंकि डिसीजन बहुत बड़े डिसीजन हैं। काफ़ी मतलब टैलेंट नज़र आया, एक घंटे से हम वॉच कर रहे हैं मैचेस के अंदर, फाइनल के अंदर इतना टैलेंट है, तो शेडी में इसके अंदर थी, तो क्या कहेंगे इस इवेंट के बारे में? देखिए वेल, मेरे ख्याल में इसको अभी और बेहतर करने की ज़रूरत है हमें। आई नो कि इसका इनिशिएटिव बैडी कैम और शाहिद अफरीदी फाउंडेशन ने मिलकर लिया था, और इन बच्चों के लिए लिया है। अंडर 16 एक ऐसा लेवल है कि जहाँ पे आप बच्चों का माइंड सेट वहीं से आप चेंज कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आगे जो मॉडर्न डे क्रिकेट है वो किस तरफ जा रही है।
तो ये वो जगह है बच्चों के लिए, हमने अच्छा ज़बरदस्त ग्राउंड दिया है, पिचेज है, अच्छे प्रोफेशनल कोचेस यहाँ पे दिए, ताकि बच्चा इसी एज से जो है वो अपने माइंडसेट को अकॉर्डिंग टू द क्रिकेट के किस तरफ जा रही है, और ख़ासतौर पे उमर रशीद जैसा जो कि प्रोफेशनल कोच रहा है, पीसीबी के साथ काफ़ी अच्छे रहे हैं, बाकी जो कोचिंग स्टाफ है बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट फास्ट बॉलिंग कैंप्स, स्पिनर्स कैंप, यहाँ पे जो हार्ड हिटर्स हैं उनके कैंप्स इंशाल्लाह फ्यूचर में लगाने के प्लान्स हैं, और हम चाहते हैं कि वो जो बच्चे यहाँ पे क्रिकेट खेलेंगे सीखेंगे वो बच्चे यहाँ पे एजुकेशन जो तालीम है वो भी इंशाल्लाह साथ साथ हासिल करते रहेंगे। अच्छा शहर भाई, आप फ्लाई काम तो कर रहे हैं हर जगह, हम देख रहे हैं कि आप जहाँ पानी की जरूरत होती है या और बहुत सारे ऐसे एरिया हैं वहाँ जाते रहते हैं, उसके साथ आपका जो फाउंडेशन है वो स्पोर्ट्स को बड़ा आगे लेके जा रही है, इस पर क्या कहेंगे कि दीगर लोगों को भी आना चाहिए आपकी तरह? देखिए मेरे ख्याल में, क्योंकि एज ए एथलीट मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हेल्थ एजुकेशन और पानी के अलावा भी स्पोर्ट्स से मेरा क्योंकि ताल्लुक, मैं खुद भी हूँ स्पोर्ट्समैन रहा हूँ और बल्कि अभी भी हूँ, तो कहने का मतलब ये है कि ये अपने बच्चों को अच्छा प्लेटफॉर्म देना है। मैं ख़ासतौर पर मेडिकैम का, जुनेर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने साथ मिल के कितना खूबसूरत इन्वायरमेंट एटमोसफेयर प्लेयर्स को दिया है कि वो आएँ एक अच्छी क्रिकेट खेलें और सीखें, और जितना प्राइवेट सेक्टर की ज़रूरत है इस वक्त इस मुल्क को, वो मेरे ख्याल में जितने भी प्राइवेट सेक्टर उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि हम चाहे बॉक्सर्स होते हैं, चाहे वो बॉडी बिल्डर्स होते हैं या कोई और गोल्फर्स होते हैं, उनको ज़रूरत होती है स्पॉन्सरशिप की, तो क्योंकि मेरा जो काम है वो बेसिकली हम करते हैं कम्युनिटी बेस्ड काम करते हैं जिससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का जिस तरह जुनेद ने इस तरह हमारे साथ इस क्रिकेट में आए हैं कि अकेडमी के लिए, इसी तरह मैं और प्राइवेट सेक्टर से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मुल्क के अंदर किसी भी स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा टैलेंट है, प्लीज़ आप सब लोग आगे आएँ और इन पाकिस्तान के जो स्टार्स हैं, जो फ्यूचर स्टार्स हैं, उनको सपोर्ट करें। बड़ी हिंसा कर चाहते थे, एक ही रंग कटेगा, लेफ्ट आर्म मीडियम का सुबह सेकंड लाइन बोलनी, अब इसका सामना करेंगे अशर, विकेट कीपर बैट्समैन है, आज इन्होंने बड़ी सेंसिबल इनिंग खेली है। बाइस ने मेडिकल से ज़ेब्रास को 5 विकेट से शिकस्त करके टूर्नामेंट में पता हासिल की। वेरी वेल प्लेड मेडिकल लाइफ, जबरदस्त आपकी परफॉर्मेंस रही है, इक्वली वेरी वेल प्लेड मेडिकल शाहिद खान अफरीदी फाउंडेशन।